आप सोच करके हमको बताइए कि धर्म का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में है, लोग उसको विधानसभा और पार्लियामेंट में लेकर के क्यों आते हैं? इबादत पूजा वो आपका व्यक्तिगत मसला है, उसको लोग राजनीति में लेकर के क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि ये ज्ञान जो है ना लोग अंग्रेजों से सीखे हैं, और इतिहास जान लीजिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब भी कुछ अंग्रेज के जासूस थे जो उसमें शामिल नहीं हुए थे, और आज 2022 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है तो अब भी कुछ अमेरिका के जासूस हैं जो उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि गुजरात के लोगों ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, अब उस महानुभाव का दर्शन चुनाव टू चुनाव ही होता है। चुनाव टू चुनाव ही होता है, और इसका असर यह है कि शायद उनको यह लगने लगा है कि कपड़े बदलने से ही देश बदलता है, और कपड़ा बदलते बदलते अब मुख्यमंत्री बदलने लगे हैं। क्या सिपाही जी, तीसरा मुख्यमंत्री हुआ है ना, कपड़ा बदलते बदलते मुख्यमंत्री बदलना शुरू कर दिए हैं। खुद भूपेंद्र पटेल को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं। अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि उनका फोटो सबसे बड़ा लगा हुआ है पूरे अहमदाबाद में, सबसे आगे मोदी जी, अगल बगल में पूरा उनका कुनबा। मोदी जी कहते हैं कि हम किसके लिए चोरी करेंगे, वही बगल में जो लोग खड़ा है उसके लिए। तो बगल में जो लोग खड़े हैं, अगर आप उनको देख करके वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि मोदी जी गुजरात में रहें, और मोदी जी गुजरात में तभी रहेंगे ना जब आप भूपेंद्र पटेल साहब को चुनाव हरा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको मोदी जी नहीं चाहिए तो फिर मोदी जी से ये सवाल पूछिए कि हम आपको वोट दिए तो आप पहले आनंदी पटेल जी को जो है मुख्यमंत्री बनाए, पता नहीं अगर अच्छा काम किए तो फिर उनको हटा क्यों दिए, अगर बुरा काम किए तो फिर उनको राज्यपाल क्यों बना दिए, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आए रूपानी साहब। अब ये बताइए कि वो अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, अगर अच्छा काम किए तो हटा क्यों दिए, अगर बुरा काम किए तो सिर्फ चिट्ठी क्यों लिखवाए, उनको पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं कर दिए, सिर्फ विधानसभा का ही टिकट क्यों काटा, पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए। अगर भूपेंद्र पटेल साहब इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी आप उनको अपने कार के पीछे दौड़ने के लिए क्यों लिफ्ट दे देते, अरे लिफ्ट देते रोक देते कार, एक सीट पे बिठा लेते, अरे वो भी आपकी तरह मुख्यमंत्री है, क्या पता कल को प्रधानमंत्री बन जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री है भाई, मजाक थोड़ी है। तो प्रधानमंत्री का कार चल रहा था, मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे थे, अरे मैं होता ना तो मैं अपनी बाइक पे बिठा लेता उनको। अब ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे हमारी नजर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको समझा दिया गया है, हमको बता दिया गया है कि हमारे जीवन में ना धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में किसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, टीका वाले को कि टोपी वाले को, किसको मिला?
कोरोना जब हुआ तो एसपी साहब को भी हो गया और कांस्टेबल साहब को भी हो गया, पटेल को भी हो गया और जो है दलित को भी हो गया, ब्राह्मण को भी हो गया, हिंदू को भी हो गया, मुसलमान को भी हो गया, महिला को भी हो गया, पुरुष को भी हो गया। आजकल शहर में एक नई बीमारी आई है, दिल्ली में खूब होता है, आपके यहां दिल्ली की भी एक पार्टी आई है, उस बीमारी का नाम है डेंगू। और डेंगू जो है उसका मच्छर जब आपके पास आएगा ना तो पहले आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है कि पहले आएगा और कहेगा और ग्यासुद्दीन भाई कैसे हो, तुम मुसलमान हो तो तुमको नहीं काटेंगे, और कन्हैया कैसे हो, तुम हिंदू हो तुमको काट लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेंगू फैलता है गंदगी से, और धर्म के नाम पे जो राजनीति है इसको कहते हैं सांप्रदायिकता, और यह है समाज की गंदगी। और यह जो समाज की गंदगी है, इस समाज की गंदगी ने हमारे जीवन की समस्याओं पर से हमारा ध्यान हटा दिया है। और हम भी कितने कमाल के लोग हैं, घर हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हम कराते हैं, और ब्लड प्रेशर का बीमारी भी हम ही को हो रहा है, उसमें हमारा मुद्दा ही नहीं है कि लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा, हर जरूरत की चीज महंगी होती जा रही है। पेट्रोल पंप पे जब तेल भराना होता है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि किसी को प्रपोज करने के लिए जाने वाले हैं, इतना तेज धड़कन चलता है ना मीटर देख करके, 100 रुपए लीटर। मजेदार बात यह है कि महंगाई ऊपर बढ़ रही है और रुपया नीचे गिर रहा है, दोनों में कंपटीशन है, तुम जितना ऊपर जाओगे हम उतना नीचे जाएंगे। और हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि नहीं, हम नहीं गिरे हैं, वो बढ़ गए हैं।